नमस्कार रेल साथियों, स्वागत है आप लोग का अपने इस YouTube चैनल रेलवे ज्ञान में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हाल ही में 20 नवंबर 2022 को एग्ज़ाम हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर की, जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर की के साथ है। दोस्तों, यदि आप LDC JEE PV एग्ज़ाम की तैयारी करते हो या फिर IOW JEE वर्क्स की तैयारी करते हैं, ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन से। हु डिसाइड्स द नीड्स फॉर पोस्टिंग वॉचमैन एट ब्रिजेस? यहाँ पे दोस्तों हिंदी भी देख सकते हैं आप, लेकिन मैं इंग्लिश में ही आप लोगों को ये क्वेश्चन बताते हुए जाऊँगा। यानी कि पुलों पर चौकीदार तैनात करने का आवश्यकता कौन तय करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मंडल इंजीनियर, यानी कि DEN। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर द ब्लैंकेट मटेरियल्स यूज्ड इन रेलवे एम्बैंकमेंट, व्हाट आर द स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट्स QCU एंड को एफिशियंट ऑफ कर्वेचर CC? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा CU ग्रेटर देन 7 एंड CC बिटवीन 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट फुट प्लेट इंस्पेक्शन शुड बी डन बाय द असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर बिटवीन - सहायक मंडल इंजीनियर रात्रि में फुट प्लेट निरीक्षण कब करना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 12 से 4 बजे के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द रिकमेंडेड फॉर्मेशन वाइड्थ ऑफ न्यू डबल लाइन कटिंग फॉर ब्रॉड गेज इज - तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डबल लाइन में ब्रॉड गेज नई डबल लाइन के लिए जो इसका हो जाएगा दोस्तों 13,160 mm कटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्क्वीजिंग प्रेशर इन टैंपिंग मशीन इज टू बी केप्ट एज - तो इसका आंसर हो जाएगा 110 से 120 केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर। टैंपिंग मशीन के लिए स्क्वीजिंग दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लाल रंग में एरियल विथ एंड पेंटेड इन रेड कलर इंडिकेट्स दैट इट इज, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Class 3 रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्पीड ऑफ वर्किंग ऑफ 72 stone RGM is tangent track is, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 15 km/h। नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 kg थिक वेब स्विच शुड बी प्लान्ड फॉर रिन्यूअल आफ्टर इट हैज कैरिड द मिनिमम टोटल ट्रैफिक ऑफ - तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 800 GMT। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर एक्सीडेंट मैनुअल द गेज एंड क्रॉस लेवल एट एनी एक्सीडेंट लोकेशन आर टू बी मेजर्ड एट व्हाट इंटरवल, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 meter। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाइड्रोग्राफ इज ए ग्राफ शोविंग करेलेशन बिटवीन - तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्चार्ज एंड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर इंडियन रेलवे ब्रिज मैनुअल हाउ मच इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ मेटल कोटिंग फॉर मेटलाइजेशन, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 115 micron। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर डिटरमिनिंग द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू एन एक्वाइफर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फार्मूला इज, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डार्सिस लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ वाइंड्स इज
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरऑल लेंथ ऑफ टर्न आउट इज मेजर्ड फ्रॉम डैश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्टॉक रेल ज्वाइंट टू हिल ऑफ क्रॉसिंग, यानी SRJ टू HOC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच प्रॉपर्टी ऑफ 60 kg 90 UTS रेल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 kg ऑब्लिक R260 रेल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यील्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IS 456 द वेरिएशन इन स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल क्यूब एंड एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ ऑल थ्री क्यूब्स इन दैट सिंपल शुड नॉट बी मोर देन डैश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्लस या माइनस 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एज पर ब्रिज रूल्स द ट्रेनिंग ट्रेन लोड फॉर 25 T लोडिंग इज डैश 25 टन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 9.33 टन पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठेकेदार से परफॉर्मेंस गारंटी लेने का उद्देश्य है कि वह खाली स्थान। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा LOA जारी होने के बाद करार पर हस्ताक्षर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ट्रैक मेजरमेंट्स आर टेकन एट एक्सीडेंट साइट लेफ्ट और राइट डायरेक्शन इज डिटरमाइंड विथ रेस्पेक्ट टू डैश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए CRN ऑफ 6 गिवेन आफ्टर इंस्पेक्शन ऑफ ए ब्रिज इंडिकेट्स डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा इंस्पेक्शन नॉट अप्लीकेबल, यानी निरीक्षण लागू नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन ए कंटूर मैप व्हाट इज इंडिकेटेड बाई कंटूर लाइन्स वेरी क्लोज टू ईच अदर एट ए लोकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टीप स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थोटोलाइडिन टेस्ट इज यूज्ड फॉर चेकिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा रेसिड्यूअल क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेप्थ ऑफ 60 kg रेल इज। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 172 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, USFD व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैलिब्रेशन ऑफ USFD मशीन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वंस इन अ वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉर द बीम सोन एबव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर फोर्स एंड इट्स लोकेशन विल बी डैश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 5.25 kN फ्रॉम A to C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन ए रेक्टेंगुलर RCC बीम ऑफ वाइड्थ इज इक्वल टू बी इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू डी टोटल डेप्थ इज इक्वल टू डी इल्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज इक्वल टू FY व्हाट शुड बी द मिनिमम रेनफोर्समेंट एरिया एज पर IS 456। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 0.85 FY/BD। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीरियडिसिटी ऑफ वाइट वॉशिंग इन किचन ऑफ द ऑफिसर क्वार्टर इज डैश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 साल में 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, COD वैल्यू आर जनरली डैश BOD वैल्यूज फॉर द सेम सैंपल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हायर देन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब या फुट में डैश से अधिक कोरोजन वाली रेल का नवीनीकरण के लिए विचार किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशली ट्रेंड हिल गैंग्स आर रिक्वायर्ड टू इंस्पेक्ट कटिंग ऑफ हाइट मोर देन डैश। इसका आंसर हो जाएगा 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द डायमीटर ऑफ होल फॉर 20 mm डाया रिवेट शैल बी डैश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 21.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन फ्लैश बट वेल्डिंग ऑफ रेल्स आर 1 बर्न ऑफ 2 अपसेटिंग 3 अलाइनिंग एंड 4 फ्लैशिंग व्हाट इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ दीज एक्टिविटीज। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रेलवे में काम लिए जाने वाले ट्रांजिशन वक्र किस प्रकार के हैं। द ट्रांजिशन कर्व यूज्ड इन इंडियन रेलवे आर्ट्स। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्यूबिक
पाराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोऑर्डिनेटर ऑफ कॉलोनी इंस्पेक्शन ग्रुप CIG, CIG का फुल फॉर्म कॉलोनी इंस्पेक्शन ग्रुप फॉर द कॉलोनीज लोकेटेड एट द ADN हेडक्वार्टर स्टेशन इज डैश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वल्नरेबल कटिंग बाय सीनियर डिविजनल इंजीनियर ऑब्लिक डिविजनल इंजीनियर इज डन डैश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वंस इन 3 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ द ट्रैक लेइंग इक्विपमेंट TLE यूज इन इंडियन रेलवेज। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 9 टन एंड 12 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द डैटम रेल फॉर लेवल कॉरेक्शन बाई द टैंपिंग मशीन इज कर्व इज डैश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑलवेज इनर रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, OMS डज नॉट गिव डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रैक पैरामीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IRPW 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन डज नॉट रिक्वायर प्रोविजन ऑफ जगल्ड फिश प्लेट ऑन नॉर्मल 80 वेल्ट्स। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑन 30 मीटर आइदर साइड ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग इन यार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन नॉन ट्रांजिशंस कर्व द लेंथ ऑफ वर्चुअल ट्रांजिशन इज नॉर्मली टेकन एज डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ट्रांजिशन कर्व की लंबाई की बात हो रहा है तो 14.785 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुट बाय फुट सर्वे इज कैरिड आउट प्रियर टू द ट्रैक रिन्यूअल फॉर डैश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अकाउंटल ऑफ मटेरियल्स टू बी रिलीज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेल्फ लाइफ ऑफ 80 वेल्डिंग पोर्सन इज। तो दोस्तों इसका निर्धारित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वाटर ट्रीटमेंट एरेशन ऑफ वाटर इज इफेक्टिव इन रिमूवल ऑफ डैश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डिजॉल्व्ड ग्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ एनी सॉइल विल बी डैश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRPW 2020 के अनुसार मटेरियल गाड़ियों को धकेलने का खाली स्थान। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नॉट परमिटेड ऑन डाउन ग्रेडियंट्स स्टीपर देन 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर डिजाइन ऑफ सीवेज सिस्टम एज पर IRPW डैश ऑफ द वाटर सप्लाइड इज कंसिडर्ड टू रीच सीवर्स। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ प्रॉड नंबर फॉर क्रिटिकल फ्लो इन एनी ओपन चैनल शुड बी डैश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इज इक्वल टू 1, यानी बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नो टेक्निकल एंड फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स आर रिक्वायर्ड फॉर ओपन टेंडर हैविंग वैल्यू अप टू RS डैश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 50 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक ट्रॉली डैश ढुलाई के लिए काम में ली जा सकती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पीवे मटेरियल्स इन केस ऑफ इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैम्बर इज जनरली प्रोवाइडेड इन स्टील गर्डर ऑफ स्पैम मोर देन डैश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 30.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एज पर IS 456 हाउ मच इज द मिनिमम स्ट्रिपिंग टाइम फॉर फॉर्म वर्क ऑफ वर्टिकल कॉलम्स। इसका आंसर हो जाएगा 16 से 24 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोर ऑफ बाथरूम शुड बी प्रोवाइडेड विथ स्लोप ऑफ मिनिमम डेस्टवर्ड्स आउटलेट फॉर इफेक्टिव ड्रेनेज। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 in 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द बीम सोन एबव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट एंड इट्स लोकेशन विल बी डैश। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 17 KNm/c। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजायरेबल रेसिड्यूल क्लोरीन एट द लास्ट पॉइंट ऑफ द वाटर सप्लाई नेटवर्क इज डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.2 mg/l। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपलोड्स द TRC रिजल्ट्स इन द TMS डैश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा SSC इंचार्ज ऑफ TRC।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द रेलवे लाइन क्रॉस ए डीप वैली विदाउट पर्नियल वाटर इट इज कॉल्ड डैश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वायाडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड स्लोप ऑफ द एम्बैंकमेंट डू नॉट डिपेंड ऑन डैश। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। यदि आपने सॉइल मैकेनिक चैप्टर नहीं देखा है तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं, एलडीसी जेईपीवी एग्ज़ाम में प्लेलिस्ट में जाकर, और अगर आप प्रीवियस एग्जाम पेपर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, विच प्रोब्स आर यूज्ड फॉर यूएसएफडी टेस्टिंग ऑफ रेल बाय डीआरटी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 0 एंड 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप टू व्हाट डिस्टेंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग नो चेंज ऑफ ग्रेडियंट इज परमिटेड। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी एडिशन और अल्टरेशन टू द स्टैंडर्ड मेजरमेंट रजिस्टर इज डन विद द अप्रूवल ऑफ डैश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ पासेस ऑफ ग्राइंडिंग डन इन शार्प कर्व बाय आरजीएम ऑफ 72 स्टोन ग्राइंडर इज डैश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द बोल्ट्स आर सब्जेक्टेड टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस द मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ बोल्ट इज डैश। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा HSFG बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलेटेड लाइनर्स ऑन कंक्रीट स्लीपर इन यार्ड सी डैश। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 97%। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्मिक जोन डज नॉट एग्जिट नाउ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एज पर इंडियन रेलवे ट्रैक मशीन मैनुअल कोडल लाइफ ऑफ टैंपिंग मशीन इज। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 20 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्लीपर नंबर्स इन द 3 पोर्शंस ऑफ 1 in 12 फैन शेप्ड लेआउट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्विच 1 to 20 लीड 21 to 64 क्रॉसिंग 65 to 83। इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन इज नोन एज डैश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पॉइजन रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेल पथ का पूर्ण ओवरऑल साधारण तक कितनी अवधि में पूरा करना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 से 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर इंडियन रेलवे ब्रिज मैनुअल वाइल रिप्लेसिंग ए लूज रिवेट नॉट मोर देन डैश रिवेट्स शुड बी कट एट द सेम टाइम एट दैट ज्वाइंट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे टैंक मशीन मैनुअल में BCM के लिए जो है जिंग यूनिट के मेस के साइज कितने होने चाहिए। एज पर इंडियन रेलवे ट्रैक मशीन मैनुअल मेस साइज ऑफ स्क्रीनिंग यूनिट ऑफ BCM आर डैश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 28 mm, 50 mm, 80 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जोनल कॉन्ट्रैक्ट वर्क ऑर्डर्स ऑफ RS 10 lakh कैन बी इश्यूड विद द अप्रूवल ऑफ डैश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मंडल रेल प्रबंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी दोस्तों इसका ये होगा करेक्ट आंसर नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री इन्वेस्टमेंट डिसीजन फॉर ए रेलवे प्रोजेक्ट आर मेड बेस्ड ऑन विच रिपोर्ट। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रीलिमिनरी इंजीनियरिंग कम ट्रैफिक सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी टैंक टॉलरेंस का सीमा भारतीय रेलवे पर निर्धारित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेफ्टी टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द व्हील गेज इन ब्रॉड गेज वैगन्स। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1600 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मेंटेनेंस पैकिंग स्क्वीजिंग टाइम रिकमेंडेड फॉर टैंपिंग मशीन इज डैश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 0.8 to 1.2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिड्यूस्ड बियरिंग एट ए प्लेस इज मेजर्ड एज N 25 degree 47 W द होल सर्किल बियरिंग विल बी डैश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 343 degree 13 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
मैक्सिमम कैंट ग्रेडियंट अलाउड इन ट्रांजिशन कर्व इज डैश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 in 360 यानी 360 में एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेंटोनिट्स स्लरी इज यूज्ड इन पाइल ड्राइविंग फॉर डैश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बोर होल के द्वारा एस्टेब्लिशिंग द बोर होल वाल्च दीवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी कैचमेंट एरिया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिमम रेनफॉल इन द एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एट एनी लेवल क्रॉसिंग द एंगल बिटवीन रोड एंड द रेलवे लाइन शुड नॉट बी लेस देन डैश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉलरेंस ऑफ फिनिश्ड 80 welds द वर्टिकल एलिमेंट मेजरमेंट एट द एंड ऑफ 1 meter स्ट्रेट डैश शुड नॉट बी मोर देन डैश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा +1 mm टू -0.0 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर नॉर्मल कंडीशंस इन ए ब्रिज द मिनिमम रिक्वायर्ड फ्री ब्रॉड इज डैश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 meter। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द बीम शोन अबव द वैल्यू ऑफ रिएक्शन एट द सपोर्ट ए एंड बी विल बी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए 9.25 kN बी 6.75 kN। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टेम्पिंग टूल का कंपन आवृत्ति कितनी होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 33 से 35 Hz। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन ब्रॉड गेज व्हाट विल बी द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑन ए कर्व विद ट्रांजिशंस ऑफ एडिक्वेट लेंथ इफ आर इज इक्वल टू 900 mm सी इज इक्वल टू 25 mm एंड सी डी इज इक्वल टू 75 mm। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 81 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु वॉज द रिसेंटली अपॉइंटेड एट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दोस्तों ये ए एन बी पार्ट से है क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आर वेंकट रमन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ एरिया विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो दोस्तों राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज नॉट ए रिसिपियंट ऑफ परमवीर चक्र फॉर द ब्रेवरी शोन इन द कारगिल वॉर ऑफ ईयर 1999। दोस्तों किसे वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में बहादुरी दिखाने के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित नहीं किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, इनको नहीं किया गया था, बाकी लोगों को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसे भारतीय बल्लेबाज ने सबसे कम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 10,000 रन बनाए। विच इंडियन बैट्समैन स्कोर्ड 10,000 रन इन द लिस्ट नंबर ऑफ वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किस भारतीय अभिनेत्री और मॉडल ने जीता था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हरनाज कौर संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली यात्री रेलवे लाइन कब खोली गई थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय को और किस नाम से जाना जाता है। तो शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी ऑफ द यूनियन। तो दोस्तों संघ का राजभाषा हिंदी का लिपि क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कुनो नेशनल पार्क में चीता लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने स्तर के हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित हैं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों
1955 में बीजी खेर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर होगा इकबाल सिंह लालपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी, तो दोस्तों लक्षद्वीप की राजधानी होता है कवारत्ती में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में लोकसभा के लिए पहला चुनाव कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1951 से 52। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रिकेट के पहले T20 विश्व कप का विजेता कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य के महासचिव बनने वाले पहले एशियन व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यू थांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टारगेट ऑफ द ओरिजिनल कॉरेस्पोंडेंस इन हिंदी फ्रॉम ए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस लोकेटेड इन के रिगन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेस लोकेटेड इन कॉरिगन? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 100% ऑप्शन ID 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? इसका आंसर हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आलम आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड या हिंदी में काव्य लेखन के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो काव्य लेखन के लिए तो मैथिली हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी कर्मचारी ने हिंदी माध्यम से मैट्रिक या कोई समकक्ष परीक्षा या उच्चतर परीक्षा पास की हो तो उसके हिंदी को जो है किस नाम से पुकारा जाए? तो उसे जो है प्रवीण लेवल पर स्तर पे समझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया वाइज विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मत नहीं डाल सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदन नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द ओरिजिनल अशोका स्तंभ लोकेटेड? अशोका स्तंभ मूल रूप से कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन वर्ष 2019 में भारत रत्न पुरस्कार के हु वॉज नॉट रिसिपियंट ऑफ द भारत रत्न अवार्ड इन ईयर 2019 नहीं थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी, बाकी लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस शहर ने सर्वप्रथम सार्वजनिक बस और मेट्रो पर सवारी के लिए कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया था? विच वॉज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू लॉन्च ए कॉमन मोबिलिटी कार्ड फॉर राइड्स ऑन पब्लिक बसेस एंड द मेट्रो? तो दोस्तों इसका आंसर होगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? इसरो के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, When does the lunar eclipse occurs? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा When Earth is between Moon and Sun. Next question, Who was the first lady judge of Supreme Court in India? इसका आंसर हो जाएगा Justice फातिमा बीबी। Next question, किसी भी कार्यालय का राज्य भाषा कार्यान्वयन समिति का बैठक आवृत्ति
कितने दिनों में? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 महीने में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबे मार्ग वाली ट्रेन कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगी विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में इंडिया गेट पर अभी हाल ही में किसकी मूर्ति लगाई गई है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड फॉल इन विच रीजन ऑफ द लिंग्विस्टिक एरिया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालय में राजभाषा अधिनियम एवं नियम का अनुपालन सुनिश्चित करवाना किसका जिम्मेदारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1951 में वेयर वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन द ईयर 1951? तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भाषा को हु हैज़ द राइट टू एडॉप्ट ए लैंग्वेज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि हिंदी का इस प्रकार विकास किया जाए कि वह भारत का कंपोजिट कल्चर के तत्व का अभी व्यक्ति का माध्यम बन सके? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 351। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर मेडल यानी रजत पदक। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 के अनुसार मैनुअल संहिताएँ संबंधित साहित्य लेखन सामग्री की आदि किन भाषाओं में होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हिंदी और इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एन चंद्रशेखर को किस कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंधक निदेशक बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा एयर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ओनली इंडियन स्टेट विथ इंग्लिश एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज? इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा संविधान का 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में आज़ादी का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1857 में। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होता है 14 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी देश का पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती एस भंडार नायके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम 1976 के नियम 8 के अनुसार केंद्रीय सरकार का कर्मचारी जिसे हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हो किसी दस्तावेज के अंग जो अनुवाद का मांग कर सकता है यदि? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाए जब दस्तावेज विविधिक यात्रिक प्रकृति का हो, इफ द डॉक्यूमेंट इज ऑफ लीगल ऑफ टेक्निकल इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा परिचालन अनुपात रेलवे के लिए सबसे अच्छा माना जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 85। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप बी ऑफिसर्स आर इंटाइटल्ड फॉर डैश नंबर ऑफ प्रिविलेज पासेस पर ईयर? तो दोस्तों 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कार्य रेलवे के फंड से नहीं किया जाता है? तो डिपॉजिट वर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वोटेड एक्सपेंडिचर? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एक्सपेंडिचर ऑन अर्जेंट ट्रैक वर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठेकेदार द्वारा रेलवे में जमा की गई वह गारंटी का कार्ड के लिए कौन जिम्मेदार है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लेखा अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मासिक वेतन रोल में सही इनपुट डेटा तैयार करने का जिम्मेदारी किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिल बनाने वाली इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज AIMS? तो दोस्तों AIMS का फुल फॉर्म होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
पिंक बुक कौन जारी करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रख रखाव के कार्यों पर होने वाला खर्च में ठेकेदार को भुगतान खाली स्थान में चार्ज किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा PU 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सी एक वर्गीकृत कमाई नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अर्निंग फ्रॉम लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा कार्य, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स विल नॉट बी चार्ज्ड टू डिप्रेसिएशन रिजर्व फंड्स? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नई लाइन का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डिनरी वी गो ए एक्सप्रेस का मांग संख्या 4 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पीवे एंड वर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सपेंडिचर ऑफ पीवे मेंटेनेंस इज बुक्ड अंडर माइनर हेड। रेल पथ के रखरखाव का खर्चा माइनर हेड किसमें दर्ज किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा B 200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, MACP के अंतर्गत अधिकतम कितनी बार उन्नयन किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो दस्तावेज जिसके द्वारा कोई दावा पेश किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम सर्विस लिमिट फॉर ट्रांसफर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नो लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट इज इक्वल टू? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 75% ऑफ बेसिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर विद इन सेम प्लान हेड इज डन बाय डैश? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर द पोस्ट इन लेवल 1 ग्रेड पे 1800? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जूनियर स्केल ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लॉ? लॉ का फुल फॉर्म होता है लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एज पर इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल द मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड फॉर अवेलिंग हाउस बिल्डिंग एट वंस HBA इज डैश? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेच्युटी गिवन टू रेलवे एम्प्लॉयज इज डैश? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 20 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ग्रांटिंग स्टडी लीव टू एनी रेलवे एम्प्लॉयज ही ऑब्लिक सी शुड हैव कम्प्लीटेड एट लीस्ट डैश ईयर्स ऑफ सर्विस? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्यूटेड पेंशन ऑफ ए रेलवे सर्वेंट इज रिस्टोर्ड आफ्टर ए पीरियड ऑफ डैश? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन HOER SSC PVA आर क्लासीफाइड एज डैश? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एक्सक्लूडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सर्वेंट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू गवर्नमेंट एनी मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन इफ वैल्यू ऑफ दिस ट्रांजेक्शन एक्सिड्स? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 मंथ्स बेसिक सैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम लिमिट फॉर सबमिटिंग द क्लेम फॉर ट्रेवलिंग अलाउंस इज डैश डैश सक्सीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ जर्नी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव ऑन एवरेज पे LAP दैट कैन बी इनकैश्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज डैश? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 300 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रेलवे कर्मचारी के पुत्र को हर वर्ष अधिकतम कितने स्कूल पास जारी किए जा सकते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर पारा 601 ऑफ इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड वॉल्यूम 1 विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अवार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर आउट एजेंसी एंड सिटी बुकिंग ऑफिसेस? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कॉमर्शियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत निम्नलिखित में कौन सी एक शक्ति नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सस्पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीरियड ऑफ सस्पेंशन अनलेस रिव्यूड शैल नॉट बी वैलिड बियॉन्ड डैश? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 90 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर रिवोकिंग सस्पेंशन इज डैश? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा SF4। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ मैनी डेज ऑफ पैटर्निटी लीव कैन बी सैंक्शन टू ए मेल एम्प्लॉय? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर्क्स आर कैरिड आउट अंडर प्लान हेड 51? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्टाफ क्वार्टर्स। तो दोस्तों ये फटाफट एएन का एग्ज़ाम पेपर आप लोगों को हमने कराया। यदि ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो एएन एलडीसी जेई पीवे एलडीसी जेई वर्क्स की तैयारी करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।